जय हिंद बच्चों। आज एक नया विषय लेकर हम लोग आए हैं। इसके बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं, जिसका नाम है भूगोल। बचपन से ही एक बात की जिज्ञासा मेरे मन में, आपके मन में या बहुत सबके मन में उठ रहता है, आते रहता है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं क्या है, कैसे बना, बनने की प्रक्रिया क्या है, धरती पर मनुष्य कहां से आया, कब आया, किस रूप में आया, मानव का विकास कैसे हुआ, बहुत सारी न जाने नाना प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते होंगे। तो उन सारे प्रश्नों का उत्तर जिस विषय से आपको मिलेगा वह विषय है भूगोल। हम सब क्रमिक रूप से उन सारे बातों को जानेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले आ जान ले कि भूगोल क्या है। एक दो क्लास में भूगोल की बेसिक मूलभूत बातों को समझेंगे, फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे हम लोग। भूगोल क्या है? हमारे शिक्षक ने या आप सबके शिक्षक ने बचपन में पढ़ाया होगा, भूगोल भू प्लस गोल दो शब्दों के मिलने से बना है। भू का मतलब होता है भूमि और गोल का मतलब गोल। मतलब गोल भूमि के बारे में अध्ययन करने वाला जो विषय है, बताने वाला जो विषय है, वही भूगोल है। क्योंकि हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार है, संतरा जैसा। तो गोल भूमि के बारे में जो अध्ययन करने वाला विषय है वही विषय है भूगोल। भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी। लेकिन प्रश्न है, इस भूगोल का विकास कब प्रारंभ हुआ, कहां से हुआ? तो आपको बता दे कि धरती जब प्रारंभ हुआ और धरती पर जब मानव आया, मानव में जब शिक्षा की विकास शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई, तब से भूगोल का अध्ययन शुरू हो गया। लेकिन विज्ञान इतना आगे नहीं था, लेखन कला का विकास नहीं हो सका था, बहुत सारी समस्याएं थी। तो भूगोल का वास्तविक विकास 16वीं शताब्दी में हुआ। कि भूगोल विषय के रूप में इसका विकास 16वीं शताब्दी में हुआ। और 16वीं शताब्दी में यूनान के विद्वानों ने भूगोल शब्द को रचा। मतलब भूमि के अध्ययन करने के लिए भूगोल शब्द की रचना यूनान के विद्वानों ने किया। और 17वीं शताब्दी में यूनान के एक विद्वान थे बारेनियस, जिन्होंने सबसे पहले भूगोल को परिभाषित किया था। कहा था कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने वाला जो विषय है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने वाला जो विषय है वही विषय भूगोल कहलाता है। थोड़ी सी स्टैंडर्ड अच्छी परिभाषा की ओर चलें कि भूगोल क्या है। तो भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द, ज्योग्राफी जो है यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफिया। ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द है और ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं। और ये जो ज्योग्राफी शब्द है यह यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफिया से बना है। इसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। फिर आपसे प्रश्न करे कि भूगोल है क्या, एकदम क्लियर हो गया कि पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी के बारे में वर्णन करने वाला विषय ही भूगोल। प्रश्न होगा तो भूगोल का उद्देश्य क्या है, काहे भूगोल बना, बनने का उद्देश्य क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न होंगे। एक लाइन में कि भूगोल का उद्देश्य जटिल संरचना वाले भूतल का अध्ययन करना। हमारी जो भूतल है, भूमि का तल है, इसकी संरचना बड़ी जटिल है। पहाड़ है, पठार है, झील है, झरना है, सागर है, महासागर है, बड़ी जटिल संरचना है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चट्टाने हैं। इन जटिल संरचना वाले भूमि के तल का अध्ययन करने के लिए एक विषय का विकास हुआ था, उसे हम भूगोल कहते हैं।
मन में प्रश्न होगा, तो सर भूगोल की पिता कौन है, भूगोल के जनक कौन है? थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन लोग कर देता है। कुछ लोग का मानना है कि नहीं भूगोल का पिता हिकेटियस है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में भूगोल के जनक या भूगोल के पिता यूनान के गणितज्ञ, यूनान के संगीतज्ञ, यूनान के भूगोलवेता इराटोस्थनीज को माना जाता है। इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता या भूगोल का जनक माना जाता है। आप कहेंगे भाई कि हम इराटोस्थनीज को भूगोल का पिता क्यों माने, हिकेटियस को क्यों नहीं माने? क्योंकि कई जगह तो पुस्तक में हिकेटियस नाम दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भूगोल इराटोस्थनीज से पहले भी भूगोल के बहुत सारे विद्वान हुए हैं, एक दो नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में। लेकिन भूगोल को ज्योग्राफी नाम दिया किसने, तो इराटोस्थनीज ने। मतलब भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, ये किसने कहा, इराटोस्थनीज ने। और दूसरा एक अलग शाखा के रूप में, मतलब एक अलग शाखा के रूप में भूगोल को स्थापित करने का काम किसने किया, इराटोस्थनीज ने। मतलब भूगोल को एक स्वतंत्र विषय की मान्यता सबसे पहले किसने दिलाई, तो इराटोस्थनीज ने। भूगोल का क्रमिक अध्ययन किसने प्रारंभ किया, तो इराटोस्थनीज ने। चूंकि भूगोल को एक अलग शाखा की मान्यता दिलाई, भूगोल का क्रमिक अध्ययन इराटोस्थनीज ने प्रारंभ किया, इसलिए इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का पिता कहते हैं। भूगोल प्रारंभ करने से पहले कुछ छोटी सी बातें, जिस बात को हम लोगों को शायद क्लास 6 या 7 में पढ़ना था, हम थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपसे लेंगे, परिचर्चा करते हैं, फिर इसके बाद की पढ़ाई चलती रहेगी। तो सबसे पहले भूगोल को अगर जानना है तो भूगोल में तो भाई किसी देश की स्थिति विस्तार के बारे में जानना होता है, और किसी देश की स्थिति और विस्तार के बारे में जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना जरूरी है। आगे थोड़ा हम लोग कुछ मिनटों के लिए कक्षा 7 में चलते हैं, जहां पर इसमें ऐसा चित्र आपको देखने को मिलता होगा। एक ऐसा पृथ्वी हमारा गोलाकार है, हमने पृथ्वी जैसा बनाने का प्रयास किया है, तो आप एक ऐसा चित्र देखते होंगे गोला, उसमें पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम ऐसे सूता हुआ पड़ी हुई लकीर खींची गई होती है। क्योंकि सोया हुआ है, लेटा हुआ रेखा है, तो अंग्रेजी में कहते लैटीट्यूड, हिंदी में कहते अक्षांश रेखा। तो प्रश्न है कि ये हमारे पृथ्वी का नमूना है, और पृथ्वी पर इन चित्रों का अंशफल यहां आते हैं, ये भी हमारे पृथ्वी का नमूना है, और पृथ्वी के बीचों बीच एक 0 डिग्री पर रेखा खींची गई है, एकदम लगा बीचों बीच रेखा है। तो बीचों बीच जो रेखा खींची गई है, इसी रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। चूंकि यह भूमि है, पृथ्वी मतलब भूमि है, और भूमि के मध्य में है, इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो दो बात, एक बात हुआ कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब मान लो पृथ्वी को हम एक तरबूजा मान ले, पृथ्वी को क्या मान ले, तरबूजा, चाहे गोला मान ले, आप बीचे बीचे काट दे, तो एक गोला को अगर 2 खंड में बांटेंगे तो क्या गोला हो गया, 2 गोला हो गया। तो गोला अगर 2 गो हो गया, बीचे बीचे काट दिए, तो ये गोला का ऊपर वाला हिस्सा, गोला का नीचा वाला हिस्सा, तो गोला का ऊपर वाला हिस्सा तो उत्तरी गोलार्ध, माने गोला का आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, और नीचा होगा दक्षिण, दक्षिणी गोलार्ध। कहिएगा कि गोला को ऊपरी वाला हिस्सा को ऊपरी उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी, तो पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है, आपका उत्तर होगा 2, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। इसका नाम गोलार्ध क्यों पड़ा, इसलिए क्योंकि यह गोला का आधा भाग है, तो गोला के ऊपर का हिस्सा है इसलिए इसका नाम पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध, गोला के नीचे वाला हिस्सा है इसलिए इसका नाम पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध। एक थोड़ा सा बड़ा ही रोचक बात है, हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों को आता हो, लेकिन जानने में क्या जाता है कि अक्सर हम सब, खैर आज का इस महामारी के दौर में सभी आदमी औसत कम से कम 30 मिनट न्यूज जरूर देख लेता है,
एक बात आता है एन ई डब्ल्यू एस, कभी आपने सोचा ये न्यूज का पूरा नाम क्या होगा, ये आया कहां से? तो न्यूज देखिए यहां पर गौर कीजिएगा, एन एन ई डब्ल्यू एस, ये चार वर्ड यहां के हैं, यही चार वर्ड न्यूज का है। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, एस फॉर साउथ, मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। न्यूज का फुल फॉर्म चारों दिशा होता है, चारों दिशाओं में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके आपके सामने पेश कर दिया जाए, वही तो न्यूज है। तो ये ऊपर है, मानचित्र देखने का तरीका होता है कि मानचित्र के सामने अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं या मानचित्र हम सामने लगा दे खड़े हो जाएं, तो मेरा जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उत्तर होगा, नीचे वाला होगा दक्षिण होगा, जो मेरा दाहिना हाथ होगा पूरब होगा, जो मेरा बायां हाथ होगा वह पश्चिम होगा। तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम यहां पर एक और वर्गीकरण करें कि ऊपर से दक्षिण की ओर खींच ले, ये कर ले, आप देखेंगे क्या कि इससे इधर पूरब है और इसे इधर पश्चिम, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, ई मतलब ईस्ट। तो इससे जो इस साइड में हुआ इधर और ये आ गया इधर, तो ये जो बीच वाला रेखा है देशांतर, प्रधान मध्यान रेखा देशांतर रेखा, तो इससे जो इधर होगा इसको कहेंगे पूर्वी देशांतर। ये जो इधर होगा इसका नाम होगा पश्चिमी देशांतर। तो एक और बात आ गया, गोलार्ध कितने हैं? तो दो, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचा दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर कितने हैं? तो दो, इससे इधर पूर्वी देशांतर और इससे इधर पश्चिमी देशांतर। चर्चा इस दोनों पर आ जाते हैं। अब आएगा आपके मन में कि ये जो हमने लकीर खींच दिया ये क्या है, परी हुई रेखा क्या है? तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश के बारे में जान लीजिए। तो ये हमारा पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर एक एक डिग्री के अंतराल पर, ऐसा ऐसा एक एक डिग्री के अंतराल पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। याद रखेंगे, पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और आपको बता दें कि दो अक्षांश रेखा जो है, दो अक्षांश रेखा यहां और यहां, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। इस दूरी का खोज गोरे नामक विद्वान ने किया था, इसलिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा अक्षांश रेखा से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो अक्षांश रेखा से हमें किसी देश की स्थिति के बारे में और किसी देश की दूरी का हम पता लगा सकते हैं। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 गो उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि एक एक डिग्री पर है। अगर यहां से एक रेखा खींच दे तो यहां पर 90 डिग्री का होगा, तो एक एक डिग्री पर एक उनको रेखा खींचेंगे तो यहां से यहां 90 होगा, फिर यहां एक रेखा खींच दे तो यहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक एक डिग्री पर अगर रेखा खींचना शुरू करेंगे तो यहां से यहां आने में 90 हो जाएगा, 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और बीच वाला 0 डिग्री वाला एक, तो 181। मतलब अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा है, उस अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। और अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसको मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। आते हैं थोड़ा सा देशांतर पर चर्चा कर लिया जाए। देशांतर, देश के अंतर को बताने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। मन में प्रश्न होगा कि सर देशांतर रेखा क्या है, तो आपको बता दूं कि पृथ्वी के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर या ऊपर से नीचे की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर या नीचे से ऊपर की ओर खींची गई
काल्पनिक रेखा को हम, देखिए बता याद रखेंगे, ये रेखा कहीं खींचा हुआ नहीं है, हमसे बात सुन ले और साइकिल मोटरसाइकिल लेके निकल जाइएगा रास्ता पर देखने की, सर ने तो कहा, सर के बाद झूठ बोले कि सच बोले, कहीं रास्ता पर खोजने जाइएगा, धरती पर ऐसा रेखा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यह काल्पनिक रेखा है, बार बार बोल रहा हूं। तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, और देशांतर रेखा की संख्या 360 है, लेकिन हर देश ऐसा यह हो गया देशांतर रेखा, तो ऐसे ऐसे देशांतर रेखा कितने हैं, तो 360 है, क्योंकि यहां बीचों बीच रेखा खींचती है तो अर्धगोला हो गया, और आप जानते हैं कि एक बिंदु पर से कितनी रेखाएं खींच, एक एक बिंदु पर कितनी डिग्री का कोण बनेगा, तो सभी जानता है कि एक बिंदु पर एक ये बिंदु हुआ, यहां स्केल ले ले, स्केल से ऐसे घुमाना शुरू करे तो एक सर्किल बन जाएगा, और एक सर्किल का मान होता है 360 डिग्री, सर्किल का मान कितना डिग्री होता है 360, जैसे हम यहां पर हम खड़े और सीधा हम ऐसे इस तरह से घूमना शुरू करें और पुनः आपके सामने आके खड़े हो गए, तो हमने एक बार घुमा कई डिग्री घुमा 360 डिग्री एक ही बिंदु पर, तो एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो एक ही डिग्री के अंतराल पर कई रेखा खींचाएगा 360, तो देशांतर रेखा कितने है 360, लेकिन हर देशांतर रेखा, जैसे ये वाला देशांतर रेखा है यहां से गया यहां मिल गया, ये वाला देशांतर रेखा है यहां से गया यहां मिल गया, ऐसे ऐसे मिलते जाता है, तो देशांतर रेखा 360 है, लेकिन देशांतर वृत्त की बात करें 180 है, और दो देशांतर रेखाओं के बीच, जैसे यहां एक रेखा है यहां एक रेखा है, तो 111.16 किलोमीटर है। इस दूरी की खोज जोन नामक विद्वान ने किया था, इसलिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम जोन कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि देशांतर रेखा दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर आते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी विषुवत रेखा पर फैला हुआ है और ध्रुव पर सिमटा हुआ है। और आपको बता दें कि अक्षांश रेखा से हमें दूरी का ज्ञान होता है, तो देशांतर रेखा से हमें समय का ज्ञान होता है, और यह आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश को एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा पर आने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट कैसे लगता है इसकी जानकारी हम लोग कल लेंगे, कल हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार पर परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।